हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे मैं नहा करके अभी सुबह में नहा कर पूजा की थी, तो इस समय मैं नहा करके और आगे में थोड़ा सा पैर हाथ जो है रंग लगाऊंगी और पूरे जो दिवाली का मज़ा है ना, सो ये बारिश किरकिरी सी कर दी क्योंकि बहुत ज़ोरों की बारिश होने लगी। तो अभी टाइम हो रहा था शाम का 3, शाम नहीं मतलब 3:30 का करीब टाइम हो रहा था, तो ये जोरों की बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे मैं शुभ दीपावली लगाई, यहाँ पे रंगोली लगाई, ये वाला जो है ना सो मैं पूरे पेंट की। तो आज ना बहुत ही मैं बिजी रही दीपावली के दिन। ये सारे जो दीवार के नीचे थे ना सो उसको मैं पेंट की। उसके बाद में ये ग्रिल है उसको मैं, ये वाला ग्रिल का जो है ये थोड़ा सा ही, ये लाल वाला और ये वाला दो कलर का जो है ना सो इसको मैं मिक्स करके दो मतलब कि ये पेंट की थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये सब की थी, पर ये देखिए कैसा मौसम गंदा कर दिया। तो दीपावली का मज़ा इस बार ना बिल्कुल ही किरकिरा सा कर दिया। और सारा साज सिंगार जो भी था ना, वो दीपावली जैसे कि टूनी बोर्ड लगाने का था ऊपर में या सजाने का था लड़ी उड़ी, तो उतना तो इस बार लड़ी उड़ी भी मैं नहीं की थी क्योंकि दीदी को गए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं। तो ज़्यादा तो कुछ मतलब कि सोची थी कि अपना घर है, नया घर है मेरा, तो इस पर पूरे अच्छे से सजा कर करूँगी, पर ध्यान आ गया कि नहीं, दीदी को अभी इतना दिन नहीं हुआ है कि मैं यहाँ पे कुछ ज़्यादा करूँ, तो इसलिए मैं उतना तो नहीं की, पर हाँ थोड़ा मोड़ा ज़रूर की क्योंकि ये मेरा पहला दीपावली है मेरे नए घर में। और शुभ होता है कि अगर कोई चीज़, अगर कोई तीज त्यौहार है तो शुभ शुभ माना जाता है कि हाँ चलो ये चीज़ मतलब किया जाए, तो थोड़ा मोड़ा मतलब कि मैं की, पर हाँ उतना नहीं कि यहाँ पे मैं नहा करके तो कपड़ा चेंज की थी, पूजा का सामान था जैसे गणेश लक्ष्मी जी पुराने वाले थे तो वो हटा दी और नए गणेश लक्ष्मी जी को बैठाऊंगी, पर अभी नहीं। हैप्पी दीपावली और दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। तो आज पूरे दिन ना मैं बहुत ज्यादा बिजी रही और एक मेरी यूट्यूब फ्रेंड है जो कि बोली थी कि आप कुछ हेवी साड़ी पहनिएगा, तो हेवी साड़ी तो नहीं बस ये ऊपर में दिख गया, तो मैं सोची कि चलो इसी को पहन लेती हूँ, थोड़ा सा लिपस्टिक विपस्टिक लगाई बस और कुछ नहीं, क्योंकि मेरी सास जो है ना सभी तो फुल रही है काम करते करते, तो अभी भी बहुत काम है। अभी पूजा कर रहे दीपक उपक कुछ नहीं थी जलाई और ना गणेश लक्ष्मी जी को बैठाई हूँ, तो अब जाकर के मैं पूजा का काम करूंगी। तो मैं किचन में खीर चढ़ा दी और टाइम हो गया है, 6 बज गया है, तो सोची कि चलो पहले मैं साड़ी पहन लेती हूँ, उसके बाद में पूजा कर लूंगी, दीपक उपक जला दूंगी, उसके बाद में जो होगा सो होते रहेगा। तो बस थोड़ा सा तैयार हो गई और तैयार हो करके यहाँ पे गणेश लक्ष्मी जी को जैसे कि जल छीट करके मैं वहाँ पे रख दी। अभी पूजा नहीं करना है, पूजा करना है शाम का 7 बजे है जो कि शुभ मुहूर्त है, तो 7 बजे पूजा करना है। तो इसलिए मैं क्या की ना, सारे भगवान को जो भी भगवान जी मतलब फोटो में रखती हूँ ना उनको उतार करके अच्छे से कपड़ा से पानी दे करके हल्का सा पोंछ दी और नया नया जो चुंदरी है वो सारे चुंदरी में भगवान जी को पहना दी मतलब कि ओढ़ा दी। और उसके बाद में गणेश लक्ष्मी जी को अलग अलग करके जैसे पॉलिथीन में बांधा हुआ था ना, तो अलग करके रख दी, थोड़ा सा जल छीट दी और आसनी पर बैठा करके एक दीपक में जला दी क्योंकि शाम 7 बजे पूजा होना है, तो अगर पूरे घर में अगर पूजा होने के बाद दीपावली का दिया जलाए ना तो बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए मैं क्या की ना कि एक दिया यहाँ पे जला के रख दी, उसके बाद में जो भी दीपावली का दिया जो इधर उधर रखना है, छत पे रखना है या फिर रूम में रखना है, तो एक दिया इसलिए जला करके रख दी कि ऐसा ना हो कि भगवान के पास दीपक नहीं जलाई और पूरे घर में दीपक जलाने लगी। तो इसलिए सिर्फ घंटी बजा करके एक दिया जला करके एक एक दिया मैं तीनों जगह रख दी और गणेश लक्ष्मी जी के पास भी रख दी। उसके बाद में ये दिया जला करके मैं चारों तरफ घर के रख दूंगी। तो बस यहाँ पे मैं दिया जला ले रही हूँ और इस काम में ना हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, मतलब कि जैसे कि ये दिया मैं एक थाली तो मैं की और यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट करवा रही हूँ क्योंकि दीदी बोलती है ना कि थोड़ा सा फ़ोटो वोटो जो हो उसे भेज देना, वीडियो वो देखती है पर फिर भी उनको लगता है ना कि थोड़ा सा फ़ोटो वोटो भेज देना, भाभी हैं दीदी हैं तो ये लोग बोलती हैं कि फ़ोटो भेज देना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर फ़ोटो शूट करवा ले रही हूँ। और बस यहाँ पे जो है सो दीपक पूरा जला करके मैं चारों तरफ रख दी और उसके बाद में यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी का पूजा कर ली। तो बारिश अभी भी बारिश मतलब कि हो ही रही है, हल्का फुल्का सा मतलब बीच बीच में आ रही है, तो बहुत सारा दिया जो मैं रखी ना छत पे तो उसमें का तो बहुत सारा दिया जला और बहुत सारा दिया में ना क्या हुआ कि भुत भुत गया था पूरा, मतलब बुझ गया था दीपक, तो उसको क्या किया कि उसको फिर से मैं जा कर के जलाई। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो यहाँ पे पूजा मैं कर चुकी हूँ, प्रसाद उरसाद चढ़ा चुकी हूँ और पूरा क्लिप मैं नहीं ले पाई क्योंकि क्या है ना
ये मैं नाइटी पहनती हूँ या सूट पहनती हूँ ना, तो पूरे घर में मैं दौड़ते रहती हूँ, अपना जो काम रहता है वो करते रहती हूँ, पर साड़ी मेरा मुझसे नहीं हो पा रहा। पूरा साड़ी का जो प्लेट है ना, दीपक जलाते समय क्या हुआ ना कि हाथ में तेल लग जाता है, तो पूरा तेल ही साड़ी में लग गया था। और बस यहाँ पे मैं भोग लगा दी, वही फल मेवा और मिठाई का, यही तो भोग लगाया जाता है ना। सच में मिट्टी का गणेश लक्ष्मी जी में लगी थी और बहुत ही सुंदर माँ लक्ष्मी लग रही थी, बहुत ही सुंदर गणपति बप्पा लग रहे हैं। और देख सकते हैं ना कि यहाँ पे मैं नया कपड़ा बिछा करके और भगवान जी को टीका सिंदूर जो भी लगाने के रहता है फूल उल चढ़ा करके यहाँ पे मैं पूजा अपना संपन्न की। और बहुत ही खुशी हो रही है कि फर्स्ट बार, जैसे कि एक तरह से सोचिए ना कि शादी के बाद ये फर्स्ट बार मेरी जिंदगी में अपना घर हुआ और अपने घर में ये मैं पूजा कर रही हूँ और दीपक जला रही हूँ। जैसे कि शादी होकर के मेरी आई हुई थी ना, तो उस समय मेरे घर में बहुत सारे लोग थे, जैसे मेरी बड़ी दीदी थी, मेरी ननद जो थी सो थी, छोटी ननद थी, उनके दो बेटे थे, उनकी बहू थी, उसके बाद में उनकी बेटियाँ थी, तो बहुत लोग उस समय घर में थे। और मुझे ऐसा लगता था ना कि इस घर में मैं ना शादी होकर के आई, तो ऐसा लगता था ना कि मैं गेस्ट हूँ, तो उस तरह का फीलिंग होता था। उस समय भी दीपावली मनाती थी, उस समय भी होली खेलती थी, पर ये वाली फीलिंग जो है ना, ये फर्स्ट बार मेरे घर में जैसे लगा ना जैसे कि ये मेरा खुद का घर है। और बहुत सारी बातें हैं उस समय का जो कि मैं किसी और वीडियो में शेयर करूंगी। बहुत ही क्या बोलूँ, मतलब कि अच्छा बोलूँ या बुरा बोलूँ, उस समय का फीलिंग मैं समझ नहीं पा रही हूँ, पर ज़रूर बताऊँगी आप लोगों के साथ। मैं बहुत ज़्यादा बहुत सारी बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी है, वो सारी बातें मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे है ना कि गांव में ये वाला, ये लोग जो है ना सो ढोल और बहुत सारे चीज़ लेकर के आते हैं और वो गाना बजाते हैं और यहाँ पे चावल या फिर धान घर के दरवाजे पे छींटते हैं। तो ये लोग चावल या धान जो है सो छींटते हैं और ये इस तरह से गाना गाते हैं अपने भाषा में, और ढोलक और जो मजीरा होता है ना वो बजाते हैं, तो बहुत ही सुंदर लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो ये बोले ना कि आप धान छींटे हैं, थोड़ा सा चावल भी हल्का सा रख दीजिए, इसमें पैर नहीं लगाना चाहिए, पर फिर भी थोड़ा सा रखा जाता है, शुभ माना जाता है। तो बस यहाँ पे ये लोग रख दिए और मैं किचन में आ गई। यहाँ पे मैं एक आलू बैंगन और बरबटी का भुंजिया बना ले रही हूँ और पूरी बनाऊंगी, खीर तो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, और ये मैं मिक्स वेजिटेबल बना रही हूँ, तो बस यही सब हो जाएगा खाने में रात में। तो ऐसे तो मैं सोची थी ना कि चावल दाल और बचका उचका जो होता है ना पकौड़ी वकौड़ी वो मैं बना दूंगी, पर सोची कि नहीं चलो खीर बना हुआ है तो अभी लेट भी हो गया था, और टाइम अभी का टाइम हो रहा है 10:45 का, तो इतना टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं गर्मा गर्म कचौड़ी जो है सो छान ले रही हूँ और साथ में खीर है, मिक्स वेजिटेबल है, तो ये थाली में लगा दी जेठानी जी का, और उसके बाद में ये मैं थाल दे दूंगी उनको, वो लोग खा लेंगे, क्योंकि उन लोग का खाना जो है ना सो खाने का उन लोग का 1:30 बज गया था। यहाँ पे मैं रात में अभी फ्री हुई, खाना उना खा करके तो छोटा सा क्लिप मैं ले ली, और ये वाली जो लड़ी थी ना ग्रिल के ऊपर, सो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोली ना वो लड़ी टूट गई, और ये वाली जो लाइट थी ना सो भूत गई, तो हस्बैंड जो हल्ला करना शुरू किए ना उस समय कि क्या बोलूँ मैं, तो बस भी हो गई हस्बैंड से कि मैं जान करके थोड़े ने तोड़ दी, पर वो सुन ही नहीं रहे थे कि नहीं तुमको मना कर रहे थे, फिर भी तुम इस तरह से इसका लड़ी तोड़ दी। तो आज है दीपावली का दूसरा दिन और आज ना बहुत अच्छे से धूप उगे हुए है अभी, और कल पता नहीं क्या हुआ था, भगवान को भी ना क्या हुआ था, जैसे कि कल कितने जोरों की बारिश भगवान देने लगे। कोई बात नहीं, चलिए अब डेली का जो काम है उसी पर लग जाते हैं, दीपावली तो खत्म हो गया, छोटी दीपावली है पर फिर भी दीपावली का जो धूम था वो तो खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ कपड़े धो करके रखी थी तो इसको मैं हटा लेती हूँ।
तो ये दीपावली के दूसरे दिन का क्लिप है और रात का 1 बज रहा था उस समय फ्री हुई ना, तो उस समय ये सारे जो भी कपड़े थे वो सारे कपड़े को मैं धो करके, पूरे घर का जो बर्तन था वो सब धो करके, उसके बाद में किचन को समेट करके, पूजा रूम को समेट करके, और बहुत सारा सामान था जो कि घर में इधर उधर फैला हुआ था। तो पूरे दिन दीपावली के दिन इतनी बिजी रही ना कि मैं क्या बोलूँ। मेरा तो मतलब कि ऐसा हो गया था ना कि पूरे दिन सोची थी कि दूसरे पहले मैं सोची थी कि पूरे दिन का मैं थोड़ा थोड़ा सा क्लिप शूट करूंगी, पर इतना काम हो गया ना कि फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं कैमरा उठा करके और वो सब क्लिप जो है सो शूट करूँ। तो बस थोड़ा मोड़ा जो शूट की थी वो सोची कि चलो आज मैं वीडियो इसको पब्लिश कर दूंगी, क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स जो हैं जो मेरे वीडियो का वेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं वो कपड़े लेकर के छत पे आ गई हूँ। और ये देखिए आसमान का कलर, आप मतलब कि इस तरह का कलर देखे नहीं होंगे, मुझे भी इस तरह का कलर कभी नहीं दिखा, तो पता नहीं कैमरा में कैसे शूट हुआ सो। और ये देख करके ना मुझे काफ़ी खुशी, जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना तब देखी कि ये देखिए छत के ऊपर से आसमान का कलर जो है सो कैसा आ गया है। तो बस यहाँ पे जो भी कपड़े थे हल्के सूखे हुए हैं, पर हल्का हल्का सा भींगा हुआ है, तो बस इसको यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ ताकि सूख जाए। और अब आ गई हूँ, चाय मैं पी चुकी हूँ, किचन तो रात में ही मैं समेटी हुई थी, बस चाय का बर्तन था सो हटा दी, और जो स्लेब पोछने का रहता है वो तो मेरा रेगुलर का मतलब नियम है, तो वो सबको मैं साफ करके और आ गई हूँ। अभी मैं डस्टिंग का काम नहीं की, बस यहाँ पे बेड उड को पहले मैं ठीक कर ली, और पूरे घर का पहले मैं बेड को ठीक करती हूँ, बेडशीट जो है सो झाड़ करके, अभी क्या है बारिश का कीड़ा भी आता है ना, तो बस इसीलिए। और बस इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।